आज जब हम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से संबंधित संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी का स्मरण करना चाहूँगा कि जिन्होंने देश में सबसे पहले बेंगलोर के अंदर एक बहुआयामी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे देश के अंदर विधि क्षेत्र के अध्ययन का माहौल बदलने का प्रयास किया और इस रूप में बदला कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पूरे देश के नौजवानों के आकांक्षा का केंद्र बन गए। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना कहाँ विधि की पढ़ाई की सुविधाएं थी? हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े लॉयर हैं वो इंदौर के होलकर कॉलेज से माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय लॉ करके आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कानून की पढ़ाई की सुविधा का विस्तार हुआ। 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स चलता था, 2 साल का पास कोर्स चलता था। जिन लोगों को पढ़ करके वकालत नहीं करनी है वो 2 साल का कोर्स करते थे, और इसलिए करते थे कि कानून की जानकारी देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। और धीरे धीरे माननीय सभापति महोदय, इसमें सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, आधारभूत संरचना हो, इस सब की दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सजग भूमिका निभाई। हमारे स्टेट में भी कई जगह पर लॉ कॉलेज की सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी, मेन कॉलेज के पार्ट में ही इवनिंग क्लास के रूप में लॉ चला रहे थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी इवनिंग क्लास के रूप में लॉ चल रही थी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सख्ती करने से तमाम जिलों के अंदर, तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर लॉ की अलग फैकल्टी का निर्माण हुआ और कानून के विद्यार्थियों को अलग से एक व्यवस्थित तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय अध्ययन का अवसर मिला। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है। चाहे निंदा तो किसी भी बात की जा सकती है, लेकिन राजस्थान का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर अपने शिक्षकों की अथक मेहनत और प्रयत्न से आज देश के अंदर रैंकिंग में उसका माननीय अध्यक्ष महोदय 5वां स्थान है। और देश भर के लड़के माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली तक के लड़के लड़की, अगर उनका नजदीक में कहीं एडमिशन नहीं होता है तो NLU जोधपुर को एडमिशन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता देते हैं। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने जिस बात का जिक्र किया कि दोबारा किसी को वाइस चांसलर के बनाने के लिए लाया गया है, उसके लिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। इस विद्यालय में पहले भी लगातार 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं। मैं उनका कोई व्यक्तिशः उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी अजीब किस्म की मानसिकता हो गई है। ये कानून की पढ़ाई एक प्रोफेशनल जगह है, और आप देखते होंगे आपके संपर्क में बहुत से हमारे नेशनल रॉयल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं, किस ढंग से रिसर्च करके मेहनत करके वो मुकदमे तैयार करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, कितना अधिक समय देते हैं। ये जो अमेंडमेंट सरकार लेकर के आई है, IAS और RS को इसमें रजिस्ट्रार बनाने क्या जरूरत है? वैसे भी ज्यादातर टाइम IAS और RS ही रहे हैं इसके अंदर, इसका कानून के अंदर संशोधन करके प्रावधान करने की क्या जरूरत है? और वहां पर एक्ट में प्रावधान है कि अकादमिक काउंसिल रजिस्ट्रार का निर्णय करती है, जिस अकादमिक काउंसिल में खुद चांसलर बैठते हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो हमको एक ऐसी संस्था जिसने हमारा लगातार मान बढ़ाया है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। और IAS और RS वहाँ कानून की पढ़ाई में IAS RS क्या करेंगे? अगर लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लॉ का एसोसिएट प्रोफेसर हो, लॉ का प्रोफेसर हो या DJ रैंक का ऑफिसर हो, तो वो उस विश्वविद्यालय को और अधिक बेहतर दिशा में ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। आपने दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बिठा रखे हैं IAS RS, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय हम नहीं जानते? जिस IAS को किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दो, उसका उसी शाम को मूड खराब हो जाता है, वो 12 बजे वहाँ यूनिवर्सिटी में जाता है, 3 बजे वापस लौट जाता है। जिस RS सुपर टाइम के RS को आप यूनिवर्सिटी में लगा दो, 2 दिन उसको खाना नहीं पाता। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करूँगा और सरकार से भी दरखास्त करूँगा कि आप ये अकादमिक काउंसिल पर छोड़ दो कि वो कैसे किस कौन से कुल सचिव की नियुक्ति करें, हर जगह अपनी टांग फंसाना जरूरी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक विनती और करना चाहूंगा। मान सदस्य आपको स्मरण है, आपने विधानसभा में इस यूनिवर्सिटी के
लिए कुछ प्रस्ताव पास रखे थे। यदि सरकार में ये अमेंडमेंट नहीं होते तो सरकार को लागू कर पाती क्या? अन्य अध्यक्ष महोदय, ये आप आईएएस को लगा रहे हो और आरएस को लगा रहे हो, और आपने इस प्रस्ताव को लाने से पहले कार्मिक विभाग की अनुमति नहीं ली, वित्त विभाग की अनुमति नहीं ली। जो आपको अमेंडमेंट लाने के पहले कार्मिक विभाग से आपको अनुमति लेनी चाहिए थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं मेरी व्यक्तिगत राय में इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, इसलिए आप इसको एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करो, सारे वकीलों से राय लो, सारे लॉ के टीचर से राय लो, फिर आपका मन बने तो लेकर के आना। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक लावटी।